हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम टू माय चैनल डीआईवाई नुक। दिस इज शीला फ्रॉम थाने। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इको फ्रेंडली गार्डनिंग का तरीका, जो कि आप कर सकते हैं कोकोनट शेल्स यूज़ करके। सो, ये देखिए, मैं ऐसे, मेरे पास कोकोनट शेल्स होते हैं तो ज़्यादातर मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, आपने मेरे वीडियोस में भी देखा रहेगा। तो ये कोकोनट शेल्स को आप एज अ प्लांटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है, सबसे पहले तो कोकोनट शेल होता है बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि थोड़े टाइम के बाद ये अपने आप डिकम्पोज हो जाता है। तो ये हो गया बायोडिग्रेडेबल। सो, ये एक रिपर्पस हो जाता है कोकोनट शेल। बेकार में आप इसको डिस्कार्ड करेंगे, फेंक देंगे तो एनवायरनमेंट में वैसे ही वेस्ट ऐड हो जाएगा। तो इससे अच्छा आपका ये एक रिपर्पस हो जाता है। फिर एक रस्टिक लुक, आप चाहे तो इसे पेंट भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे काफ़ी सारे कोकोनट शेल्स को पेंट करके भी ऐसे ही गार्डन को सजाने के लिए रखा था, पर पेंट करने से ज़्यादा अच्छा मुझे ऐसे ही नेचुरल लुक आता है इसमें। सो, विदाउट पेंटिंग इसको एक आप इसमें एक रस्टिक लुक जैसा लगता है, एक नेचुरल लुक, तो मुझे ऐसे ही यूज़ करना पसंद है। और जब हम इसको तोड़ते हैं तो अलग अलग शेप्स में रहता है, तो एक यूनिक, हर एक प्लांटर एक डिफरेंट शेप्स का प्लांटर आपके पास रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये एक प्लांटर, ये एक प्लांटर। सो, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के प्लांटर्स बनके आपके पास रेडी हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये बहुत स्ट्रांग रहता है, इतना जल्दी टूटेगा नहीं, तो आपके पास एक लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी दिनों तक चलने वाला एक प्लांटर बनके फ्री में रेडी हो गया। और इसमें मॉइस्चर काफ़ी टाइम तक रिटेन होता है, तो जब कोकोनट प्लांटर में अगर आप प्लांट्स लगाएंगे तो काफ़ी टाइम तक आपको प्लांट्स को फ्रीक्वेंटली पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये मॉइस्चर रिटेन करके रखता है। और इंडोर भी आप इसको रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है। सो, कोई भी वेदर कंडीशंस में, ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तो ये सर्वाइव कर जाएगा, ये प्लांटर कभी आपका ख़राब नहीं होगा। ओके, देन इसमें एक, क्योंकि ये नेचुरल मटेरियल है तो इसमें सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो प्लांट की ग्रोथ इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो जैसे कि मनी प्लांट, और ये देखिए, मैंने आपको दिखाने के लिए अभी अभी ये टर्टल वाइन का कटिंग डाला है, और बस ये डाल के ऊपर से इसमें सॉइल डाल दीजिए तो ये टर्टल वाइन अपने आप ग्रो होता रहेगा। मनी प्लांट तो मैं ग्रो करती रहती हूँ कोकोनट शेल में, और कटिंग्स प्रोपगेट करती रहती हूँ, और इसमें ईजी टू ग्रो, जैसे स्पाइडर प्लांट के कटिंग्स लगा सकते हैं, वॉन्डरिंग ज्यू लगा सकते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स के कटिंग्स आप प्रोपोगेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, मॉइस्चर रिटेन करता है, ये ड्यूरेबल है, कोई भी वेदर कंडीशन में आपका ये मुफ्त का प्लांटर ख़राब नहीं होगा। और अलग अलग शेप्स के आपके पास, हर एक डिज़ाइन के यूनिक, एक हर एक प्लांटर यूनिक डिज़ाइन का बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो इसे पेंट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही देखिए, ऐसा रस्टिक लुक आपके गार्डन को एक रस्टिक लुक देगा। एंड इसमें काफ़ी सारे प्लांट्स लगा सकते हैं, और इसमें आप ड्रिल करके, जैसा कि आपने काफ़ी सारे वीडियोस में तो देखा ही रहेगा, ड्रिल करके आप इसका हैंगिंग प्लांटर भी बना सकते हैं। कोई भी जुगाड़ू आइडिया, क्रिएटिविटी यूज़ करके आप इसे हैंगिंग प्लांटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका चीप। सेरामिक प्लांटर्स एक्सपेंसिव रहते हैं, तो वो खर्चा बचा के आप ये घर पे ही ये कोकोनट शेल को एज अ प्लांटर यूज़ कीजिएगा, तो एनवायरनमेंट आपका सेव होगा और काफ़ी सारे आपके पैसे भी बच जाएंगे। तो ये रेन्यूएबल है, तो बस यही है कोकोनट शेल प्लांटर्स के अलग अलग बेनिफिट्स। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप भी ऐसे कोकोनट शेल्स को, कोकोनट यूज़ करने के बाद कोकोनट शेल्स को फेंकिएगा नहीं, इसे एज अ प्लांटर यूज़ कीजिए, और फिर ये करने के बाद इसे ही आप खूबसूरत ट्रे गार्डन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ भी आप इसमें डेकोरेट कर दीजिए, ये बस एक एग्जांपल है आपको दिखाने के लिए। आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप इसका एक खूबसूरत छोटा सा मिनिएचर गार्डन बना के आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। जो जिनको आप गिफ्ट कर रहे हैं वो लोग भी इस गिफ्ट को 100% अप्रिशिएट करेंगे।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहूँ। सो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। हैप्पी गार्डनिंग, बी क्रिएटिव, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।